खबर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं और वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। शाहजहांपुर में दोपहर 3 बजे तक जो वोट प्रतिशत रहा है वो 46.94% है। उन्नाव में दोपहर 3 बजे तक 46.45% मतदान रहा है। फरुखाबाद में दोपहर 3 बजे तक 50.29% मतदान है। हरदोई में दोपहर 3 बजे तक 48.18% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, मतदान फीसद कितना हुआ है। कन्नौज की बात करें 51.52% मतदान हुआ। कानपुर में दोपहर 3 बजे तक 45.84% मतदान हुआ। देखिए मतदान पर पोलिंग पार्टियां साथ ही प्रशासन का बेहद फोकस नजर आ रहा है और उसकी वजह यह है कि 2019 की अगर हम मतदान प्रतिशत इन सीटों की बात करें और 2000 अभी जो इस समय मतदान हो रहा है 2024 में उन सीटों की बात करें तो यहां पर जो मतदान फीसद है काफी ज्यादा कम रह रहा है और ऐसे में प्रशासन की ओर से कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकले। कभी मौसम आड़े आ रहा है तो कहीं लोगों में जागरूकता नहीं है, कभी वीकेंड को मतदान का दिन तो लोग बाहर निकल लिए। अब ऐसे में मतदान प्रतिशत आखिर में कितना रहता है, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाता है, ये देखने वाली बात। बता दें कि लगातार वोटिंग का प्रतिशत को लेकर पूरी कोशिश रहा चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लेकिन कुछ खास असर हालांकि देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी को ही माना जा रहा है। लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत में जो कमी है कहीं ना कहीं इसके पीछे गर्मी के साथ ही लोगों की उदासीनता भी है। बिल्कुल। और चलिए तमाम हमारे जो संवाददाता हैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं। शाहजहांपुर से ओवीस हमारे साथ हैं, मिश्रक से धर्मराज हमारे साथ हैं, कानपुर से श्याम हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम श्याम के पास और श्याम से जानने की कोशिश करते हैं। श्याम देखिए प्रशासन तो पुरजोर कोशिश कर रहा है मतदान प्रतिशत में इजाफा हो, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो इन्हीं सीटों पर तकरीबन जो चुनाव मतदान था वो 70% के करीब पहुंच चुका था, लेकिन क्या आज ये रिकॉर्ड टूटेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, प्रशासन ने पहले भी प्रयास किया और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, सामाजिक संगठनों की भी सहयोग लिया गया, सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़ करके आ गया है और तमाम मुहिम चलाई गई, लेकिन कानपुर में उन मुहिम का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि 41% मतदान हुआ है अभी तक, 3 बजे तक महज 41% मतदान हुआ है। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मतदान का प्रतिशत कानपुर में 51.65% था, यानी वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, ये भी एक बड़ी बात होगी, देखना होगा क्योंकि 2.5 घंटे का समय भी बचा हुआ है मतदान के, तो देखने वाली बात होगी वो मतदान टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि बड़ी बात कही जा रही थी कि कम से कम मतदान का प्रतिशत इस बार 10% बढ़ाना है, ये प्रशासन का संकल्प था जिसके साथ में तमाम लोग खड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकले। दरअसल सुबह का जो वक्त था उस वक्त मौसम सुहावना था, लेकिन उसके बाद जब प्रचंड धूप हुई तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। सुबह जिन मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी, दोपहर में सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन 3 बजे के बाद एक बार फिर देखा जा रहा है कि लोगों की आवाजाही मतदान केंद्रों पर हो चुकी है और लगातार यहां पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला था और प्रत्याशी कहा जा रहा था कि बाहर के प्रत्याशी को यहां पर टिकट दिया रमेश अवस्थी के रूप में, जिसको लेकर स्थानीय जो नेता है उनमें नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि तमाम स्थानीय नेता है जो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसे में पैराशूट प्रत्याशी का आ जाना उनके लिए अप्रत्याशित था और उसे एक्सेप्ट करने में लोगों को समय लगा। इसको लेकर के जहां एक तरफ अमित शाह ने यहां पर कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने रोड शो से तमाम नेताओं से मुलाकात की और उनको संदेश दिया कि जो भी प्रत्याशी भेजा गया है उसे लड़ने का प्रयास करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी मन मुटाव है वो दूर नहीं हो पाया। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन से नहीं लगे, जिसकी वजह से वोटर का जो टर्न आउट है वो काफी कम देखने को मिला है। वही इंडी गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर अपेक्षाकृत अधिक वोटर देखने को मिला है। ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां पर मतदाता ज्यादा उम्र है, उनकी भीड़ वहां पर देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक कम वोटिंग परसेंटेज का कारण बाहरी प्रत्याशी और मतदान को लेकर के उत्साह का ना होना भी बताया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या 51.65% का पिछला रिकॉर्ड टूट पाता है या उससे भी कम इस बार मतदान होता है, क्योंकि मतदान के लिए जो लोगों में इच्छा जगानी थी वो नहीं देखने को मिली। दूसरी बात यह है कि कल क्योंकि संडे का दिन था और आज मंडे का दिन है, उसके पहले शनिवार को भी लोगों की छुट्टी रहती, तो ऐसे में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण तमाम लोग घूमने के लिए
लिए बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे, बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी, पिंक बूथ बनाए, तमाम व्यवस्थाएं की कि मतदाताओं को मतदान केंद्र में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, जब वो यहां पर आ जाए तब उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एक बड़ा कारण देखने को मिला मोबाइल को लेकर के। एक तरफ जहां सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए कि मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, लोग मतदान करने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए वहां पर अपनी उंगली दिखाते हुए फोटो खींच रहे थे, दूसरी तरफ लोगों के मोबाइल जमा कराए गए, लेकिन जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहा यह जा रहा था, डीएम ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था कि लोग वहां पर जाएं, अपने मोबाइल बाहर जमा कर दें और उसके बाद मतदान करने के बाद सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर फोन जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से तमाम मतदाता जिनके फोन रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी वो बिना मतदान किए ही वापस लौट गए। चलिए ठीक है श्याम, लौटेंगे आपके पास में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स भी है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। अब सीधा रुख करेंगे शाहजहांपुर का, जहां से ओवेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवेस, शाहजहांपुर का अगर मतदान प्रतिशत देखें तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, 44.21% है। हालांकि प्रशासन, चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फी पॉइंट की बात हो या फिर गर्मी से बचने के लिए शेड्स की बात हो, पानी की बात हो, लेकिन कमी कहां है? ये लूप होल्स प्रशासन की तरफ से है जो कि वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, या फिर जनता की तरफ से ही ये उदासीन रवैया है वोट को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से लाख अपील की गई थी और मतदान को लेकर के तमाम मतदान अभियान चलाए गए थे, जागरूकता अभियान चलाए गए थे, लेकिन फिर भी उसका खासा असर आज देखने को नहीं मिल पाया। यही सबसे बड़ी वजह है कि शाहजहांपुर के अंदर में जो 46.90% मतदान 3 बजे तक हो पाया है। साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से शाहजहांपुर के कटरा के अंदर में दोपहर 2 बजे तक किसी प्रकार से किसी ने मतदान नहीं किया, मतदान का बहिष्कार कर दिया था, और फिर 2 बजे के बाद जब वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जाने के समझाने के बाद तो वहां पर मतदान अभी शुरू हुआ है। हालांकि 1 घंटा हुआ है, वहां पर अभी मतदान चल रहा है और मात्र 6 बजे तक देखना होगा कि कटरा के अंदर में कितना मतदान होता हुआ नजर आता है। क्योंकि शाहजहांपुर की अगर बात की जाए, क्योंकि शाहजहांपुर में लगातार शाहजहांपुर से योगी सरकार के अंदर में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और उन तीनों कैबिनेट मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर भी लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि त्रिकोणीय यहां पर मुकाबला है। शाहजहांपुर के अंदर में 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल करी तो वहीं 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर अपना परचम लहराया है। शाहजहांपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर 2 बार जीत हासिल की है, जनता दल भी 1 बार यहां पर अपना परचम लहरा चुकी है, तो वहीं जनता पार्टी को भी 1 बार यहां पर अपना झंडा लहराने में पूरी सक्षमता मिली है। लेकिन अगर मतदान की बात की जाए, जो ग्राफ गिरा है, साफ तौर पर लोगों का कहना है, जब लोगों से हम लोगों ने यहां से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि उनके वोटर जो लिस्ट में से नाम थे वो कुछ लोगों के कटे हुए मिले, बाकी किसी के जो बूथ है उसमें परिवर्तन होता हुआ नजर आया। साफ तौर पर जिस तरह सुबह मौसम सुहाना हुआ, 7 बजे का इस टाइम समय था सबसे पहले जब मतदान शुरू हुआ था, और सुरेश खन्ना जो यहां से मंत्री है वो अपना मतदान करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी आते साथ सबसे पहले अपील की थी और कहा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले, मतदान करें। उन्होंने कहा था कि पहले मतदान बाद में जलपान, लेकिन उसका खासा असर जिस तरह चुनाव आयोग के द्वारा लाख अपील की गई, प्रशासन ने लाख जो अभियान थे मतदान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए गए, लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिल पाया और तमाम जो शाहजहांपुर के बूथ है उन पर सन्नाटा साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन शाहजहांपुर के अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए वहां से मतदान अधिक हुआ है, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो 46.90% का जो आंकड़ा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके का आता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो वीवीआईपी बूथ थे वहां पर इक्का दुक्का आदमी नजर आया, 1 या 2 आदमी नजर आने शुरू हुए, लेकिन अभी 3 बजे के बाद से लोगों ने अपने घर से निकलना शुरू किया है और लगातार जो लोग हैं वो अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आने शुरू हो गए। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हम डॉक्टर सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज के अंदर मौजूद है, जो यहाँ पर अब 3 बजे करीब जब वोटिंग होना शुरू हुई है लोग अपने घरों से निकल के आए, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या गर्मी की वजह थी या फिर उनको भी जो उनकी वोटर पर्ची है उसको मिलने में दिक्कत रही, इस वजह से वो लोग यहाँ पर मतदान कम करते हुए नजर आए। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया और क्या क्या उनकी समस्या है और क्या वो सोचते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज वाजपेयी। नीरज वाजपेयी जी, वोट दे दिया आपने? जी दे दिया, सबसे मतदान कर दिया। बताइए सबसे कम मतदान शाहजहांपुर के जो खास तौर से शहरी इलाके वाले बूथ है वहां पे देखने को मिल रहा है, क्या कारण मानते हैं? मतदान यहां पर लगातार हो रहा है, बस ये जरूर है कि यहां पे लाइन नहीं दिख रही है और सुबह 7 बजे से ही मतदाता यहां पर आ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं और निरंतर वोट कर रहे हैं। यहां पर लगभग 50% से ऊपर मतदान हो चुका है
तो जो पिछली बार मतदान हुआ था यहाँ पर उसमें कोई कमी नहीं हुई है, उसके बराबर मतदान पहुंच चुका है और अभी 3 घंटे और बकाया है, उसमें हम और उससे पिछले वर्ष से और ज्यादा यहाँ पर वोटिंग करा पाएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर के सोच के तुमने इस बार मतदान किया, अपना वोट डाला है और क्या कुछ चल रहा था मन में? मैंने विकास के मुद्दे पे वोट दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को विश्व पटल पर अंकित कराया है। 500 वर्षों में जो मुझे राम मंदिर नहीं मिला वो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ है। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे देश हित में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए वो 70 सालों में कभी कांग्रेस नहीं कर पाई। सेना को जो मजबूत किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सेना को खुली छूट दी भारतीय जनता पार्टी ने की, सेना के जितने रोड बनाए वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, ये सारे बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने किए और इन्हीं सब मुद्दों को देखकर तमाम योजनाएं दी, कन्या विद्यादान दिया, लड़कियों के लिए व्यवस्थाएं की, आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिया, इस तरीके जो उन्होंने अपने समस्त प्रकार के जनता के लिए सोचा और किया, हर घर नल से जल योजना दी, ये बहुत से काम जो थे जिसके जो जनता को नहीं मिल पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब जनता के 10 वर्षों में जो काम किए उन्हीं सब काम को देखते मेरा भी मन प्रसन्न होता है कि मैं एक अच्छी पार्टी के साथ जुड़ा हूं और इसी को देखते हुए मैंने तो कुल मिलाकर ओवेस ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जो लोग हैं अब वो बाहर निकल रहे हैं, आप जनता से यहां पर बात कर रहे हैं, बातचीत आप कर सकते हैं। और इसी के साथ दर्शकों को लिए चलते हैं मिश्रिक, धर्मराज हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, धर्मराज से जानना चाहेंगे। धर्मराज देखिए मिश्रिक में अब थोड़ी उम्मीद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, मिश्रिक ही नहीं तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होने लगेगी लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इसका जो असर है मतदान फीसद पर बढ़ते हुए आंकड़े के रूप में जरूर दिखाई देगा। जी तो जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, दोपहर 3 बजे मिश्रिक लोकसभा में 45% तक वोट पड़ चुका है। हमारे साथ जो वोटर्स भी मौजूद है, किन मुद्दों लेकर आप वोट कर रहे हैं? नैमिष्य विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा के नेतृत्व में माननीय श्री अशोक रावत जी ने काफी विकास कराया यहाँ पे, और यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा रोड का निर्माण भी करवा रहे हैं और काफी जो है विकास कराया है, CST केंद्र का भी विकास कराया है। इन मुद्दों पर जो है माननीय श्री अशोक रावत जी को वोट करना। यहाँ के पुरोहित भी मौजूद, उनसे पूछ रहे किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? यहाँ पर नैमिष विकास प्राधिकरण का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और यहाँ के जितने संत समुदाय हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं सब मोदी और योगी जी के प्रभावित हैं और उन्हीं को हम लोगों ने वोट दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं इस बार जो है? हम लोग यहाँ तीर्थ नगरी से बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट कर रहे हैं और राम मंदिर जो बना है आगे हम लोग मथुरा के लिए भी वोट करेंगे। गर्मी काफी प्रचंड है लोगों में, जो मतदान केंद्रों पर बहुत कम पहुंच पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी होने के बावजूद भी हमारा वोटर निकल रहा है और मतदान का प्रयोग कर रहा है क्योंकि ये मौका हम लोगों को 5 साल के बाद मिलता है और इसकी हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए निकल रहा है। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दों के लेकर वोटिंग कर रहे हैं और हम युवा आगे बढ़कर जिससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और पुनः मोदी जी एक बार फिर से आए सरकार। पुरुष कम पहुंच रहे हैं, महिलाएं ज्यादा वोट पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? महिलाएं अब काम हुई है, ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अब 6 बजे तक टाइम है तो अवश्य निकालेंगे, महिलाएं निकलेंगी ये हम लोगों को आशा है महिलाओं से, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो विशेष नारी शक्ति का कार्य किया है, बढ़ाने का कार्य किया है। और क्या मुद्दे हैं जिन लोगों पर वोट कर लीजिए, काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? नैमिष के विकास के लिए हर व्यक्ति जागरूक है और वो चाहता है मोदी जी से, उसको आशा है कि मोदी जी नैमिष के लिए कुछ विशेष करेंगे जैसे बनारस में किया, वैसे नैमिषारण्य को भी जो है विकसित करेंगे। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि नैमिष में पुरुषों की संख्या कम, महिलाएं सबसे ज्यादा वोट डालने के बूथ पे पहुंच रही हैं। जी चलिए ठीक है, अब श्याम आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहाँ पर एक मुद्दा ये भी था कि अब पैराशूट एंट्री हुई है, यानी कि जो प्रत्याशी है उससे कार्यकर्ता नाराज थे बीजेपी के, हालांकि उस नाराज